नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, तवील खामोशी को इख्तियार करो, देर तक चुप रहा करो। फरमाया, अगर तुम इसे लाजिम कर लोगे तो ये चीज शैतान को बहुत ज्यादा फटकारने वाली है, दूर कर देने वाली है, और तुम्हारा तवील टाइम खामोश रहना, लंबा वक्त चुप रहना तुम्हारे दीनी कामों में तुम्हारा मददगार होगा। हजरत बुजुर्ग गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ और फरमाइए। तो हुजूर ने फरमाया, बहुत ज्यादा हंसने से बचो, क्योंकि बहुत ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को गारत कर देता है। कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ और फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हक बात बोल दिया करो, अगरचे किसी को कड़वी ही लगे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ और फरमाइए। तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह ताला के मामले में किसी मलामत करने वाले की परवाह ना करना, रब की रिजा का गोया काम करते रहना, और अगर तुम्हें कोई बुरा कहे, तुम पर कोई तनकीद करे, तो उसकी परवाह ना करना। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ और फरमाइए। तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, लोगों के ऐबों को बयान करने से अपनी जुबान को रोके रखना,